ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूटी पर, और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो आज हम शुरुआत तो उस क्वेश्चन से नहीं करेंगे, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है। सो यूनिफॉर्म, आपने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया कि किसी भी फंक्शन के पास अगर कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी हालांकि आपको पहले से भी पता था कि कंटिन्यूटी क्या होता है, बट इन लेक्चर्स के दौरान आपने सीखा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कही कि अगर आपकी डोमेन कनेक्टेड है तो उसकी रेंज भी कनेक्टेड होगी, डोमेन कॉम्पैक्ट है तो रेंज भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। फिक्स पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा, आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ी, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमने कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड पढ़े। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जो आपके पास ये रिजल्ट्स, जितने भी रिजल्ट्स के बारे में हमने बात की, तो वो थोड़े से वीकर थे। वीकर का मतलब ये है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर उनका आउटकम नहीं था। ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक न्यू टाइप की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यू एक कैटेगराइजेशन करेंगे फंक्शंस का। तो उस न्यू कैटेगराइजेशन का नाम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो जैसे कि जो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा, उसकी डेफिनेशन को, दैट मीन्स कि वो उन सभी डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करेगा जो कंटिन्यूटी की हैं, बट इसके अंदर कुछ एडिशनल डेफिनेशन भी आपकी रहेगी। ठीक है। सो एडिशनली भी आपके पास कुछ डेफिनेशंस होंगी, और उस डेफि सॉरी रिजल्ट्स होंगे, सॉरी डेफिनेशन से रिजल्ट्स होंगे, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पर आप ज़्यादा कंक्लूजन निकाल पाओगे अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? बोलो, स्क्रीन दिखाई दे रही यस है? सर। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, अभी हम इसको फिलहाल के लिए छोड़ लेते हैं। ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, एंड देन हम ये समझेंगे कि फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो ज़्यादा बड़ी बात क्यों है अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना मुश्किल है बजाय कि कंटिन्यूअस होने के। कंटिन्यूअस इजीली फंक्शन बन सकता है, बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें उसको सेटिस्फाई करनी होंगी। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। सो हमने कंसीडर किया, कंसीडर अ फंक्शन एफ सच दैट डी टू आर। ठीक है। देन वी से एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, देन वी से एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन डी इफ। तो अब देखो, सबसे पहला डिफरेंस क्रिएट हो गया यहीं पर से। तो जैसे कि हमने कंटिन्यूटी की जब डेफिनेशन लिखी थी, तो डोमेन के ऊपर कंटिन्यूटी की बात हमने नहीं की थी, हमने बात की थी किसी पॉइंट पर, जो पॉइंट आपका डोमेन से था। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज ये क्या नहीं है, ये डेफिनेशन पॉइंट वाइज नहीं चेक होती है, ये सीधे डोमेन पर चेक होती है, फिर डोमेन के किसी सबसेट पर चेक होती है। तो मीनिंग ये है कि वो पॉइंट पर कैलकुलेट करने वाली चीज है और ये डोमेन के ऊपर कैलकुलेट करने वाली चीज है। ठीक है। सो सबसे पहला डिफरेंस यहीं पर आ गया। फिर दूसरा लिखेंगे कि इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सो इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेनेवर, नहीं ऐसा लिखते हैं, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू डी सेटिस्फाइंग एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, यहीं पर लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर हर एक एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिले, कि जिस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने डोमेन से एलिमेंट उठाया जिनकी बीच की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी है, तो उनकी इमेजेस की जो डिस्टेंस आएगी वो एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए। ठीक है।
अब आप देखोगे यहाँ पर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी आती है तो उनकी इमेजेस को एप्सिलॉन से छोटा होना होगा, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं, इस बात को लिखने का और क्या तरीका होना चाहिए हमारा, इस बात को कहने का तरीका ये होना चाहिए कि Whenever x tends to one, क्या बोल रहे हो, मतलब जैसे जैसे x y को टेंड करेगा तो f y को टेंड करेगा। नहीं, टेंड करने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर दोनों चीजें जो हैं वो वेरिएबल है, कोई फिक्स नंबर है ही नहीं जिसके बारे में हम बात करें कि ये टेंड कर रहा है या नहीं टेंड कर रहा है उसकी तरफ, फिक्स नंबर है ही नहीं यहाँ पर कोई भी। यहाँ पर जब मर्जी आप अपना एक्स चेंज कर सकते हो, जब मर्जी आप अपना वाई चेंज कर सकते हो। टेंडिंग की बात तब आती है जब हमारे पास क्या हो, फिक्स नंबर्स हो, कोई इन दोनों में से कोई एक फिक्स है, तब हम सोचेंगे टेंडिंग वाली बात, बट यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है। सो हम क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने क्या कहा कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ठीक है, कि अगर आपने क्या कैलकुलेट किया, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इज लेस देन डेल्टा, डिस्टेंस बिटवीन, इफ भी वर्ड यूज होना चाहिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इज लेस देन डेल्टा देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर इमेजेस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो जैसे कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, कंटिन्यूटी से ये डिफरेंट क्यों है इस बात को हम समझेंगे। तो मान लो ये आपकी डोमेन थी और ये मान लो हमने वैसे आर पर कंसीडर किया है, बट इसको मान लो कि ये आर है, ठीक है, सेम ही मैं बना रहा हूँ, ये मान लो डोमेन, ये डी है, ये आर है। सो कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि जब भी आप क्या करोगे, कोई एप्सिलॉन आपने ग्रेटर देन जीरो पिक किया, तो अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पिक करेंगे और किसी भी एलिमेंट्स के बीच में हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो इमेजेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो ये नेबरहुड इस टाइम पर है ये वेरी कर रहा है, ये फिक्स नेबरहुड नहीं है। तो जैसे ऐसा समझो कि ये जो रेड कलर का सर्कल है, ठीक है, हालांकि यहां पर इंटरवल होगा बट सर्कल की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस रेड कलर के सर्कल को हम मानेंगे कि ये किसी पॉइंट के अराउंड, जैसे कि यहां पर ये क्या है, ये एप्सिलॉन नेबरहुड है अराउंड सम पॉइंट एफ वाई, ठीक है, क्या है ये एप्सिलॉन नेबरहुड अराउंड सम पॉइंट एफ वाई, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाई यहां पर फिक्स है, ये वाई चेंज होने में लगा हुआ है। तो जैसे कि ये आपके पास है यहां पर, ठीक है, तो आपने क्या उठाया, आपने एक एप्सिलॉन उठाया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास हर एक एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिले, और इसे आप थोड़ी देर के लिए वाई के कोरस्पॉन्डिंग समझ लो, ठीक है, ये नेबरहुड किसके अराउंड है, डेल्टा नेबरहुड वो वाई के अंडर में है। तो कहा ये जा रहा है कि अगर आप अपने एक्स को यहां पर से उठाते हो, ठीक है, आपने अपने एक्स को वाई के डेल्टा नेबरहुड से उठाया, तो अब जो इसकी इमेज सेट है किसकी, एक तो वाई की और एक एक्स की, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, इसमें एप्सिलॉन नेबरहुड में। तो मीनिंग ये है कि अगर एक्स आपके वाई के डेल्टा नेबरहुड से बिलोंग करता है तो उसकी जो इमेज होगी वो वाई के, सॉरी, इमेज ऑफ वाई के एप्सिलॉन नेबरहुड में होनी चाहिए। अब ये जो वाई है ये जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो, ये वाई आपका चेंज कर सकता है, तो बस यहां पर क्या है कि वाई इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंज ऑल्सो, तो वाई जो है आपका वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। तो मीनिंग ये है कि आप कोई भी वाई उठाओ, ठीक है, आपने कोई भी वाई उठाया, उसके अराउंड डेल्टा नेबरहुड की बॉल बनाई,
देन इस डेल्टा नेबरहुड में से कोई भी एक्स आपने उठाया, आपके पास अगर वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो एप्सिलॉन से छोटी हो रही है। अब ऐसा मत समझना कि ये वाई जो है ये सेंटर में है हमेशा, इसके वाई बिल्कुल एंड में भी जा सकता है, बस डिस्टेंस एक्स और वाई की बीच की जो है ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस डेल्टा से छोटी है तो कहा ये जा रहा है कि एफ एक्स और एफ वाई के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो भी एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये सेंटर वाली बात है वो नहीं है सही। तो ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया है, ये वाई आपका कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो मीनिंग ये है कि यहाँ पर से मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो मान लो ये क्या है, यहाँ पर डेल्टा डिस्टेंस पर है तो उनकी इमेजेस एप्सिलॉन डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटे डिस्टेंस पर होनी चाहिए। सो ये यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। वाई इज नॉट फिक्स, इट कैन चेंज ऑल्सो, सिमिलरली एक्स कैन चेंज ऑल्सो, ठीक है। सो सिमिलरली हम कहना चाह रहे हैं कि एक्स को भी चेंज होना होना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन फाइनली मैं लिख लेता हूँ। ना ऑब्जर्वेशन ये है, मैं वन सेकेंड में आता हूँ, ओके। सो कहाँ पर हम थे, तो ऑब्जर्वेशन मुझे बतानी है कि कैसे करके डिफरेंट है उससे। तो मैंने इस पहले तो मैंने ग्राफिकली मतलब सॉरी मैंने डायग्राम की हेल्प से समझाया, बट अब हम नंबर लाइन की हेल्प से समझते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए कि ये कैसे डिफरेंट है उससे, ठीक है। तो वन सेकेंड, तो नंबर लाइन की हेल्प से कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप समझ के चलो कि जब हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं तो कंटिन्यूटी के बारे में हम बात ये करते हैं कि जैसे आपने एक सी पॉइंट उठाया, अब हम बात करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले कंटिन्यूटी एट सी, कंटिन्यूटी सॉरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो यूसी में लिख रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ऑन डी, तो डी क्या है यहां पर, डोमेन है, पॉइंट नहीं है कोई, ये डी डोमेन है। तो जब हम किसी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो वो किसी पॉइंट पर चेक होती है। अब चेक होती कैसे, आप ये कहते हो कि अगर आपको कोई एप्सिलॉन गिवन दे दिया गया कि ये एप्सिलॉन हमारे पास है, तो हम ये कहते हैं कि सी के अराउंड फिर एक नेबरहुड मिलना चाहिए, ये इसके अराउंड एक डेल्टा नेबरहुड है, सच दैट इसके अंदर का हर एक एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इसके अंदर का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एफ सी के एप्सिलॉन नेबरहुड में जाना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपने यहां से कोई एक्स पिक किया है, दिस इंप्लाई कि वो एफ एक्स जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ सी में जाएगा, ऐसा हम करते थे वहां पर बात। अब डोमेन के केस में क्या है कि डोमेन आपने मान लो इंटरवल में, फिलहाल मान रहा हूं दिमाग में आपके कि इंटरवल है, मान लो वही ऐसा मान लो कि ये डोमेन आपकी थी ए कॉमा बी, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां से यहां तक का डोमेन था, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं बना रहा हूं। तो कहा ये जा रहा है कि अब यहां पर अगर आप कोई एप्सिलॉन लेते हो तो हम कहते हैं कि उसके अराउंड एक डेल्टा मिलना चाहिए। तो अब कहा जा रहा है कि मान लो डेल्टा मिल भी रहा है तो क्या हो रहा है उससे, तो आपको अगर एक डेल्टा मिला तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाया, जैसे कि आपने उठाया ये एक्स ये उठाया वाई, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी है तो इन दोनों की इमेजेस की डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए। अब ये जो ये हमने नेबर उठाया है, मतलब ये क्या हो रहा है एक तरीके से डेल्टा नेबर में दोनों के दोनों एलिमेंट हैं, बट ये जरूरी नहीं कि यहीं पर से उठाए जाए, हो सकता है आप यहां पर से उठाओ दो एलिमेंट उठाए, अगर इनके बीच की डिस्टेंस भी डेल्टा से छोटी है तो फिर इनकी इमेजेस के बीच की डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए, हो सकता है आप यहां पर उठाओ, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर डेल्टा से छोटी है तो उनकी इमेजेस के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए। तो मतलब जो डेल्टा आपको मिलता है आप उसे पूरे के पूरे डोमेन में कहीं पर भी खिसका सकते हो, कि कोई भी पॉइंट उठाया, जैसे जैसे आपका मन करा ये वाला पॉइंट उठाया मैंने, अब इसके अराउंड जो जो डेल्टा नेबरहुड बनेगा उस डेल्टा नेबरहुड की जितनी भी इमेजेस आएंगी उनके बीच का जो गैप होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए,
मैं यहां पर उठाता हूं, तो यहां पर क्या होगा, इसके अराउंड जो डेल्टा नेबरहुड है उसमें जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, उसकी जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए उनकी इमेजेस के बीच में। अब इस चीज को कहने का ये भी तरीका हो सकता है, मतलब कुछ लोग इसको ऐसा भी समझाएंगे कि अगर आपके पास मैंने ये डोमेन ली है अपनी ए टू बी, तो कुछ लोग इसको ऐसा समझाएंगे कि मान लो आपने इसके अराउंड एक नेबरहुड कंसीडर किया, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड, तो ये मान लो आप आपका क्या है, डेल्टा नेबरहुड है, ठीक है। सो इसे आप समझ लो थोड़ी देर के लिए कि क्या है, ये डेल्टा नेबरहुड है। ठीक है, तो ये आपका मान लो डेल्टा नेबरहुड है, तो कैसे कैसे वर्क कर रही है डेफिनेशन, आपने इसे किसी पॉइंट के अराउंड बनाया, जैसे मान लो ये पॉइंट पे उठाया C1, अब C1 के अराउंड आपने नेबरहुड लिया, तो ये आपका डेल्टा नेबरहुड हो गया अराउंड C1। नाउ इस ऑरेंज कलर के पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस के बीच का जो गैप होना चाहिए वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप C1 के अराउंड चेक करो, हो सकता है आप C2 के अराउंड चेक करो, देन C2 में भी क्या होना चाहिए, इसी डेल्टा नेबरहुड के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं उन सभी की जो इमेजेस होगी वो किससे छोटी होनी चाहिए, एप्सिलॉन से। अगेन मैंने कोई दूसरा एलिमेंट पिक किया, तो अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी एलिमेंट्स डेल्टा नेबरहुड में बिलोंग करेंगे इस ऑरेंज कलर के पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उनकी इमेज एप्सिलॉन से कम आनी चाहिए। ये एप्सिलॉन भी एक तरीके से मैंने शुरुआत में फिक्स लिया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही मुझे ये डेल्टा मिला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेरी कर रहे हैं इस बार, पिछली बार एक ही पॉइंट पर सेंटर्ड सब कुछ था और उसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा, तो यहां पर ये कहीं पर भी आ सकता है, हो सकता है यहां पर हो, तो आपको फिर इसके अराउंड क्या बनाना पड़ेगा, डेल्टा नेबरहुड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अब क्लियर है, जब थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ बोलो। डेल्टा जो है ना वो हम कितना ही बड़ा ले सकते हैं ना, मतलब बस एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो पहली ऑब्जर्वेशन थी, डायग्राम की हेल्प से हमने समझी, ठीक है। अब हम लिखना चाह रहे हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन कि इन केस ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, कि डेल्टा दैट वी चूज डिपेंड्स अपॉन, तो जिस डेल्टा को हम चूज कर रहे हैं वो जो डेल्टा है एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ में वो सी पॉइंट पर भी चेक डिपेंड करेगा जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सी क्या है यहां पर, जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। जैसे कि आपको याद होगा आइसोलेटेड पॉइंट के टाइम पर आपने डेल्टा क्या लिया था, कोई बता सकता है, आइसोलेटेड पॉइंट के टाइम पर डेल्टा क्या लिया था आपने, वो डेल्टा वहां पर कहां से मिला था, जब हमने आइसोलेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक की तो डेल्टा कैसे आपको मिला था, किसी को याद नहीं है, कैसे प्रूफ किए थे आइसोलेटेड कंटिन्यूटी, कि आइसोलेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है फंक्शन, गलतन के, हाँ एक बार रिपीट करो, गलतन ए मिला था वहाँ, नहीं मिला था पर डेल्टा की, डेल्टा को क्या लिखा गया था कि डेल्टा इस हिसाब से हमें मिलेगा, नेबरहुड ऑफ एक्स माइनस सी, रिपीट करो क्या बोल रहे हो, नेबरहुड एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस सी इंटरसेक्शन, नहीं 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 मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि डेल्टा किस बेसिस पे मिला था, वो सिंगलटन सेट मिला था एक, नहीं सेट मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ डेल्टा किस बेसिस पे लिया था आपने, चूज किस बेसिस पे किया था डेल्टा,
सर वो डेल्टा जब हम मतलब दिखाया था कि ये पॉइंट आइसोलेटेड है तो उसी को डेल्टा लेगा, डेल्टा हाँ जगह सो डेल्टा हमने नॉट। क्या किया था, जैसे कि हमने कहा था कि जिस पॉइंट पर वो आइसोलेटेड है, ठीक है, कहाँ किया था हमने वो, सो हमने ये डेल्टा इस हिसाब से चूज किया था सच दैट वो सेट के बाकी पॉइंट से आइसोलेट हो जाए। तो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है डेल्टा, डेल्टा आपका एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि एलिमेंट कहाँ पर लोकेटेड है। तो जहां पर एलिमेंट लोकेटेड होगा जितना उसका बाकी एलिमेंट से डिस्टेंस होगा जो सेट के हैं, तो उसका लीस्ट जो नंबर होगा उससे डेल्टा निकला था। तो मतलब ये जो डेल्टा यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये एक्चुअली दोनों चीजों पर डिपेंडेंट है। आपका ये डेल्टा एप्सिलॉन पर तो होता ही होता है डिपेंडेंट, क्योंकि आपको एप्सिलॉन से छोटा लाना है भाई आंसर, तो एप्सिलॉन पर तो डिपेंड होता ही है। साथ साथ में ये उस पॉइंट पर भी डिपेंडेंट होता है जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। बट यहाँ पर जो है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेल्टा इज डिपेंडेंट अपॉन एप्सिलॉन ओनली, नॉट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। तो जिस डोमेन पर आप चेक कर रहे हो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? देखो आप यहाँ पर कब आपने सोचा कि डेल्टा जो है वो पॉइंट के हिसाब से है। मैंने तो ये कहा कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर डेल्टा से छोटी डिस्टेंस आएगी तो उनकी इमेजेस की डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम होगी। इट मीन्स यहाँ पर डेल्टा जो है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या है कि चेक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एफ। और आप क्या कर रहे हो, यहां से फंक्शन डिफाइन कर रहे हो आर पर, ठीक है, और आप ले रहे हो कि गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ठीक है, सो ये हमारा फंक्शन है, मुझे चेक करना है वेदर इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस और नॉट। तो मैंने सबसे पहले एक एप्सिलॉन चूज कर लिया कि चलो ये हमारा एप्सिलॉन है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं चाहता हूं कि मैं डेल्टा को ढूंढूं और इस तरीके से ढूंढूं कि उनकी इमेजेस किसी भी दो एलिमेंट की, एक्स और वाई की इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम आनी चाहिए जब आप उस डेल्टा डिस्टेंस में उन दो एलिमेंट्स को लोगे। सो एफ एक्स माइनस एफ वाई आएगा यहाँ पर कितना, 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई। देन आप अगर एलसीएम लोगे तो 1 बाई एक्स वाई आएगा और आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतना आपके पास ही आ जाएगा। नाउ मेरे पास एक्स और वाई जो हैं वो 1, ∞ से बिलोंग कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को मैं जितना छोटा रखूंगा उसका आंसर, उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही बड़ी आएगी। डिनोमिनेटर को मैं जितना स्मॉल रखूंगा उतना बड़ा मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो मैंने सबसे स्मॉल रख दिया 1 1, दोनों की वैल्यू सबसे छोटी रख दी तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं डेल्टा क्या लूंगा बोलो, क्या डेल्टा लेना चाहिए? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो जैसे ही मैंने डेल्टा को एप्सिलॉन लिया, सो वेन एवर, अब जब मैं क्या करूंगा, जब भी एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी लूंगा तो फिर ये गारंटेड है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई जो आपका आ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ वाई जो आ रहा है आपके पास, वो क्या होने वाला है, लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये एक्स माइनस वाई से छोटी है। और एक्स माइनस वाई से छोटे होने की वजह से ये जो है कितना आ जाएगा, डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा को एप्सिलॉन लिया हुआ है। और यहाँ पर जो है इक्वल अभी फिलहाल आ रहा है, बट यहाँ पर मैंने मैंने ये इक्वल टू मैं कैसे रिमूव करूँगा, रुक जाओ अगले स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पर तो इक्वल भी है, तो इस इक्वलिटी को रिमूव करने के लिए मैंने ये कहा कि एक्स और वाई की वैल्यू डेल्टा हो नहीं सकती, डेल्टा से स्ट्रिक्टली छोटी है, इस वजह से ये डेल्टा से छोटा आएगा और डेल्टा क्या था, एप्सिलॉन ही था।
तो आपने देखा कि डेल्टा जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर क्या करूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी पर डिफाइन करूं, ओपन, ठीक है। सो जीरो से इन्फिनिटी पर मैं अगर इसी क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा तब क्या होगा? तो अगेन वही बात, सबसे पहले आप एप्सिलॉन को ग्रेटर देन जीरो लोगे, देन आपने देखा कि एफ एक्स माइनस एफ वाई आपके पास इतना आ रहा था, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ रहा है, इस टाइम पर सबसे छोटी वैल्यू जो आप रख सकते हो एक्स और वाई की जगह वो जीरो है। अगर आप जीरो रख दोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर तो कोई मतलब रह ही नहीं गया कि एप्सिलॉन से छोटा ही आंसर आए। तो अगर मैं अपने डेल्टा को चूज करूं, टेक डेल्टा इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा ये, तो जो मुझे एप्सिलॉन लिया गया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं ये डेल्टा लूं तो क्या होगा? एफ एक्स माइनस एफ वाई जो आपके पास है वो कितना आ जाएगा? सो मैंने ये डेल्टा लिया हुआ है, तो अब रुक जाओ, पहले मेरा एक्स और वाई कहाँ से था पहले ये बता देते हैं। तो जब मैंने अपना एक्स और वाई इस हिसाब से चूज किया कि उनके बीच के डिस्टेंस डेल्टा से छोटी है, तो मेरे पास ये जो चीज़ है ये इतनी आ जाएगी, डॉट डेल्टा, ठीक है। उल्टा ले लिया मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना था इसका, अब ये ठीक है। देन मैंने इसकी जगह ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो वैल्यू रख दोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? वन बाई मॉड एक्स वाई डॉट मॉड एक्स वाई डॉट एप्सलॉन, तो ये आ जाएगा आपका एप्सलॉन से छोटा फाइनली। सो दिस इम्प्लाई, और स्ट्रिक्ट छोटा आने वाला है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आपने यहां पर डेल्टा प्लेस किया है, तो यहां पर भी स्ट्रिक्ट लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि यहां पर आपने डेल्टा प्लेस किया है, तो डेल्टा प्लेस इसलिए प्लेस करते वक्त आपने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को फॉलो किया था, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। सो दैट मींस कि आपके पास एफ एक्स और एफ वाई के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया। बट अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपका जो ये डेल्टा है ये इटसेल्फ एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है ना? अगर आपने एक्स और वाई पर डिपेंडेंट इसे नहीं रखा तो हमें सोचना होगा कि तब क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो है इससे छोटा है और ये इससे छोटा था तब। तो यहां पर हम कहेंगे कि ट्राई टू ऑब्जर्व दैट अनलेस यू चूज, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट अनलेस यू चूज डेल्टा डिपेंडेंट अपॉन एक्स वाई एंड एप्सिलॉन, नहीं एप्सिलॉन को हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अनलेस यू चूज डेल्टा डिपेंडेंट अपॉन एक्स एंड वाई, ठीक है, द डेफिनेशन will not be satisfied, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो इस बात को देखने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक तरीका यूज करूंगा, मतलब ये कोई प्रूफ नहीं है जो मैंने अभी तक लिखा है, इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, क्योंकि आप नहीं ढूंढ पा रहे हो डेल्टा, हो सकता है कोई और ढूंढ ले। सो इस बात को चेक हमें करना पड़ेगा कि क्या पता कोई और ना ढूंढ निकाले डेल्टा जिसकी जिसमें एक्स और वाई है ही नहीं, सारा का सारा एप्सिलॉन पर बेस्ड है। तो ये जो प्रूफ है ये सिर्फ इस बात को दर्शा रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो डेल्टा है आसानी से तो वो नहीं मिलने वाला जो कि सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट हो, है ना, एक्स और वाई पर डिपेंडेंट होने वाला मिल रहा है, जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल ही नहीं है, क्योंकि डेल्टा होना ही नहीं चाहिए एक्स और वाई पर डिपेंडेंट, है ना, जो सेट के एलिमेंट है उन पर। तो मैंने एक तरीका निकाला, मैंने क्या कहा कि लेट अस सपोज हमें एक डेल्टा मिल भी जाता है ना, सो लेट अस सपोज, नहीं लेट अस सपोज हटाओ थोड़ी देर पहले, पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट उठाया
जैसे कि मैंने उठाया एक सीक्वेंस, मैंने पिक की और वो मैंने पिक की एक्स एन, ओ एन सॉरी, वन बाई एन सॉरी। तो एक मैंने ये सीक्वेंस पिक की। नाउ एक वाई एन मैंने जो सीक्वेंस है वो पिक की वन बाई एन प्लस वन, ठीक है। अब आप बताओ कि एक्स एन माइनस वाई एन क्या आएगा। एक्स एन माइनस वाई एन तो ये वन बाई एन माइनस वन बाई एन प्लस वन आएगा, जो कि है वन बाई एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है। सो अब हम लिखेंगे वो वाली बात कि सपोज, ठीक है, सच नहीं, ऐसा लिखते हैं, सपोज रिक्वायर्ड डेल्टा एग्जिस्ट, ठीक है। मान लो कि ऐसा कोई डेल्टा मिलता है सच दैट उसके लिए डेफिनेशन होल्ड कर रही है, तो क्या दिक्कत आएगी। तो आप देखने की कोशिश करो कि अगर आपने ये सीक्वेंस में समझो आप, ये है तो सेट के ही एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहां से उठाए गए हैं, ये एलिमेंट्स उठाए गए हैं जीरो टू इंफिनिटी से, तो हैं तो ये सेट के ही एलिमेंट। तो कोई भी डेल्टा अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा सच दैट एक्स एन और वाई एन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से छोटी आएगी। बताओ लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। क्यों लिख सकते हैं, क्या लॉजिक दोगे। बोलो क्या लॉजिक दोगे आप। सर एक्स एन माइनस वाई एन जो है 1/n(n+1) वो कॉन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है। हाँ फिर डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंस से ये बोल सकते हैं। कन्वर्जेंट है तो ऐसा क्यों आया कि डेल्टा से छोटा आ गया ये। कन्वर्जेंट होना तो सफिशिएंट नहीं है कि डेल्टा से छोटा आएगा। ये लिख सकते हैं, किस बेसिस पे लिखेंगे ये चीज। सर आर की मीडियम प्रॉपर्टी। तो किसको यूज करोगे आप, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो जीरो पर कन्वर्जेंट है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर एग्जिस्ट करता है, कोई सा भी वो, चाहे हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1/1 करोड़ हो, सो कितना भी छोटा ये हो, क्योंकि ये जीरो पर जा रहा है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तो यही कहेगी अब कि एक्स एन माइनस वाई एन कभी ना कभी तो डेल्टा से छोटा आने लगेगा, क्योंकि डेल्टा फिक्स्ड है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डेल्टा से छोटा आएगा ही आएगा, ये मैंने लिख दिया है। सो दैट मीन्स ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं देखता हूं कि क्या इसके लिए इमेज भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने एफ एक्स एम माइनस एफ वाई एन देखा, तो ये मैंने देखा कि आपके पास आ रहा है एन माइनस वन, है ना, इसकी इमेज क्या आएगी, क्योंकि 1/x है तो इसकी इमेज आएगी एन माइनस वन, तो दैट मीन्स ये तो वन आ गया। अब आपको चाहिए था वन से छोटा, नहीं वन से नहीं, एप्सिलॉन से छोटा, आपको क्या चाहिए, ये चीज एप्सिलॉन से छोटी चाहिए होती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने अपने एप्सिलॉन को वन से छोटा लिया, ठीक है, इफ आई टेक माई एप्सिलॉन लेस देन वन, दैट मीन्स कुछ भी, सर लेट अस सपोज कि मैंने 1/2 लिया, देन, ठीक है, देन फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कोई भी डेल्टा आप ग्रेटर देन जीरो लो, एंड एक्स एन क्या लेना है, 1/ नहीं, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डायरेक्टली लिखते हैं, वी हैव एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन ग्रेटर देन 1/2 या फिर एप्सिलॉन। तो मीनिंग ये है कि क्योंकि ये जीरो पर जा रहा है तो कोई भी डेल्टा अगर आपको मिलता है तो वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये चीज सेटिस्फाई होगी ही होगी किसी भी डेल्टा के लिए। बट मैंने ये बोल दिया कि ये वाली जो चीज है अब कभी भी एप्सिलॉन से छोटी नहीं आएगी अगर आपने एप्सिलॉन को 1/2 ले लिया।
सो इस एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग कोई सा भी डेल्टा वर्क ही नहीं कर रहा है सच दैट इमेज के बीच की जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो बताओ क्या ये चीज सही है? अब क्या हम बोल सकते हैं, कैन आई से नाउ दैट गिवन फंक्शन इज, क्या है ये, गिवन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर दिस। तो ये जो फंक्शन है ये इसके ऊपर कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस क्यों है, क्या लॉजिक है कंटिन्यूअस होने का, कंटिन्यूअस होने का क्या लॉजिक है? क्योंकि सर इसको जीरो पे ही दिक्कत थी और वो हमने लिया नहीं है। हाँ नहीं, उससे कम्प्लीटली उससे नहीं बोलोगे, कुछ और भी यूज करोगे। सर एक तो एप्सिलॉन मिलेगा ही, जो मतलब वन से मतलब वो क्या मतलब सर सर इन केस ऑफ कंटिन्यूटी वी ओनली से देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन बट हियर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फॉर एनी एप्सिलॉन वी टेक। तो तुम इससे कहना चाह रहे हो कि कंटिन्यूअस है? नहीं नहीं मतलब सर सिंपल सा लॉजिक सर, हाँ कंटिन्यूअस क्यों है ये? तो वन से बड़ा अगर हम वो करेंगे एप्सिलॉन हाँ तो सर फिर वो सेटिस्फाई करेगा ना कंटिन्यूटी को। सर ये क्या बात हुई, कंटिन्यूटी तो हर एक एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, वन से बड़े का क्या मतलब है सर? डेल्टा भाई वो भी है कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ एक बार रिपीट करो जिसने अभी बोला था, क्या बोल रहे थे आप? सर डेल्टा एक्स वाई जो हम एलिमेंट जो भी ले रहे हैं उस पे डिपेंड कर रहा है और ई पे एप्सिलॉन पे भी, तो उस हिसाब से कंटिन्यूअस शो कर देंगे सर। हाँ मतलब ये तो कंटिन्यूअस है बट मैं ये लॉजिक तो नहीं चाह रहा था, मैं ये इस डेफिनेशन से डायरेक्टली कंटिन्यूअस कहा जा सकता है ठीक है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो यही है क्योंकि डेल्टा यहाँ पर एक्स और वाई पर भी डिपेंडेंट, एप्सिलॉन पर भी डिपेंडेंट, तो कंटिन्यूटी के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये डेल्टा लेना कंटिन्यूटी के लिए दिक्कत नहीं है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए दिक्कत थी। तो कंटिन्यूअस तो ये इससे भी है बट आपको कंटिन्यूटी के लिए क्या बोलना है कि ये डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो इट्स डिविजन या फिर रेसिप्रोकल विल बी कंटिन्यूअस इफ इट्स रेसिप्रोकल इज नॉन जीरो, सॉरी इफ इट्स डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल है देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, तो ये लॉजिक वैसे यूज करना चाहिए था। तो आपने देखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा हो पा रहा है ठीक है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। अब इस वाली डोमेन पर लेकिन देखो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस था ठीक है, तो डोमेन का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है यहाँ पर कि डोमेन का इंपॉर्टेंस ये बहुत बड़ा है। और इस चीज को समझने के लिए मैं अब ग्राफ का यूज करूंगा। सो जैसे ऐसा समझो आप, मान लो इसका यूज नहीं करते हैं, मान लो आपके पास ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब हमने अपना 1/x वाला ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। तो अब मेरे को किसी ने कहा कि चलो आप ये वाला एप्सिलॉन लो और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप डेल्टा ढूंढ के दिखाओ सच दैट जब भी आप एक्स और वाई में से डेल्टा उठाओगे तो सॉरी एक्स और वाई इस हिसाब से उठाओगे कि उनके बीच की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी है, तो आपको कहना होगा कि एफ एक्स और एफ वाई के बीच की डिस्टेंस भी डेल्टा से छोटी आनी चाहिए। तो आप देखोगे कि अगर एक ऐसी डोमेन पर आप वर्क कर रहे हो जैसे कि आपने 1 to ∞ वाले पर वर्क किया, तो जब हम 1 to ∞ वाले डोमेन पर थे तब आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शन में ज्यादा दिक्कतें नहीं है, फंक्शन धीरे 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 जीरो की तरफ बढ़ रहा है, स्मूथली बढ़ रहा है। बट जब मैं 0 to 1 के बीच में आया और मैंने एक डेल्टा रखने की कोशिश की, मैंने डेल्टा इतना छोटा, पहले बड़ा वैल्यू मानते हैं, ये मान लो आपने कहा कि ये आपका डेल्टा है, ये क्या है हमारा डेल्टा मान लो, देन आपने इस डेल्टा को यहां पर रखा ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
मान लो ये आपके पास आपका डेल्टा था, आपने इसे यहां पर रखा, आपको बोलना है कि अगर मैंने एक एप्सिलॉन उठाया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं उनकी इमेज मुझे क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो मैंने कहा कि आप यहां से उठाओ ये एक्स और ये वाई, तो डेल्टा को इस हिसाब से श्रिंक किया जा सकता है शुरुआती टाइम में तो, कि सच दैट उनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो ये आ रहा है एफ एक्स, ये आ रहा है एफ वाई, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम आए। अगर मैं डेल्टा को थोड़ा सा और पिचका दूंगा, थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा, तो ये एफ एक्स और एफ वाई के बीच की और डिस्टेंस कम आ जाएगी। बट अगर यही काम मैंने क्या किया, मैंने यही काम बिल्कुल यहां पर जाके किया, ये मान लो मेरा एक्स है और ये वाई है, तो आप नोटिस करोगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मान लो ये वैल्यू है, और वाई की जो वैल्यू है वो इतनी छोटी है, तो आप देखोगे ये आपका एफ वाई बनेगा उस केस में और ये आपका एफ एक्स बनेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप जीरो के नजदीक जा रहे हो, भले ही एक्स और वाई के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा कम है, बट स्टिल एफ वाई और एफ एक्स के बीच का जो गैप है वो बहुत लार्ज हो रहा है। अगर मैंने एक्स को थोड़ा सा और जीरो के नजदीक भेज दिया तो फिर और क्या होगा, तब एफ एक्स बहुत ही ज्यादा ऊपर वैल्यू आएगी इसकी, मतलब इसकी करोड़ में वैल्यू आ जाएगी और ये कुछ थाउजेंड्स में होगा। सो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से डिस्टेंस जो है अब वो एप्सिलॉन से कम नहीं आएगी। अनलेस यू चूज डेल्टा डिपेंडेंट अपॉन एक्स एंड वाई, आपका कभी भी आंसर एप्सिलॉन से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि आपने किया क्या था, इस ये लिया था ना डेल्टा, तो आपने डेल्टा सही लिया ना, मैंने तो डेल्टा ये मैंने लिया था, तो एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग जब आप ये डेल्टा लोगे तब जाके वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा, बट क्योंकि आप एक्स और वाई पर डिपेंडेंट नहीं रख सकते इस वजह से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो कोई भी फंक्शन अगर बिल्कुल सडन चेंजेस करेगा है ना किसी पॉइंट, मतलब जैसे डोमेन में कोई पॉइंट है जिसके अराउंड फंक्शन एकदम से सडन चेंजेस कर रहा है, तो फिर फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे कि कोई आपसे पूछे कि क्या 10x फंक्शन जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो क्या होगा आपका आंसर बताओ, नो एफ सर, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। हाँ बोलो क्या होगा आपका आंसर, बोलो क्या आंसर लोगे, होगा ये बिना कुछ कैलकुलेट किए। सर एंड पॉइंट्स पे सडन चेंज होगा सर इनमें हाँ, तो एंड पॉइंट पे एकदम से जो वो है वो एकदम से इनफिनिटी की इन्फिनिटी तरफ की जाए। तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। सो जो सडन चेंजेस हो रहे हैं उसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू की लाइन बनाई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू की लाइन बनाई। सो अब ये पोर्शन आपके पास है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 10x का ग्राफ है। ठीक है, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब मैं बिल्कुल नजदीक जाने लगूंगा पाई बाई टू के, तो वाई की जो आंसर आएगा वो बहुत ऊपर जाके आएगा और एक्स का यहीं कहीं आंसर आ जाएगा, तो गैप जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगा, जो कि बिना डेल्टा को एक्स और वाई पर डिपेंडेंट रखे आप क्या नहीं कर सकते, एप्सिलॉन से छोटा नहीं ला सकते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये लिखेंगे, अभी हम विदाउट मैथमेटिक्स ये प्रूफ लिख रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि ड्यू टू शार्प मूवमेंट टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी एट माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू द गिवन फंक्शन कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। अब अगर मैं यही काम क्या कर दूं, वैसे हालांकि अगर आप देखोगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है,
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ओवर माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, तो पाई उसमें कंटिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं यहां पर पाई बाई टू ना लिख कर माइनस वन कर दूं और वन कर दूं, तो आपके पास अब ये ग्रीन और ब्लू कलर की लाइन है ही नहीं। माइनस वन यहां पर समझ लो आप पाई बाई टू होता है थ्री पॉइंट, तो यहां कहीं है वन, ये मान लो आपका वन है, माइनस वन है सॉरी, और ये आपका वन है। तो इस डोमेन में सडन चेंजेस है ही नहीं। आपकी जो रेंज ऐसे नहीं बनाते हैं, आपकी रेंज कहां से कहां तक की आएगी देखो, से हाईलाइट कर देते हैं। सो यहां पर मान लो ये वन की इमेज आ रही, ठीक है, ये टेन वन है। सो जो आपकी रेंज है इस टाइम पर माइनस वन से वन पर, वो बस इतनी है जितना ये स्काई ब्लू कलर का ग्राफ है। सो यहीं तक है। तो आप हमेशा अपने डेल्टा को इतना श्रिंक कर पाओगे सच दैट जब भी आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उस डेल्टा नेबरहुड से, तो एफ एक्स और एफ वाई के बीच में जो गैप है वो आराम से एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम डायरेक्टली कहेंगे कि सिंस इट हैज नो शार्प मूवमेंट, इट हैज नो शार्प मूवमेंट टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, टूवर्ड्स इंफिनिटी इन बिटवीन माइनस वन टू वन, दस इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये जो फंक्शन आपने लिखा है ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इसलिए है। ठीक है, ऑल राइट। अब मतलब अभी हम इसका कोई भी लॉजिक नहीं दे रहे हैं कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूं कि आपको डेफिनेशन से ये चीज करवाई जाए। तो मान लो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स और आपका जो एक्स है वो आर से है, ठीक है, देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो आप कहोगे कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसमें क्या हो रहा हो, एकदम से शार्प चेंजेस आ रहे हो। सो आपने कहना है कि साइन एक्स के ग्राफ में शार्प चेंजेस नहीं है, साइन एक्स का ग्राफ एकदम स्मूथ है। स्मूथ होने की वजह से आपका जो ये है क्या इसका नाम, एक्स और वाई जब भी आप उठाओगे डेल्टा से छोटा, तो आराम से क्या जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। तो कहीं पर भी शार्प चेंजेस नहीं है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा फिर, यस, कि ये जो है फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। हालांकि ये प्रॉपर लॉजिक नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा किसी के सामने मत बोल देना आप, ठीक है, कि ये इस वजह से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो ये क्या है, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो चूज करने के लिए जैसे चार ऑप्शन हैं, चार में से आपको किस ऑप्शन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो जैसे कि जो बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है वो जो है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इसलिए उसको चेक ही मत करो, है ना। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, तो जो आराम आराम से बिहेव कर रहा है फंक्शन, दैट उसको चेक ही नहीं करना है आपने, सिर्फ उसको चेक करना है जिसमें जिसमें कुछ एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी से चेंजेस आ रहे हो, ठीक है। तो अब जैसे कि अब ये जो हम अप्रोच लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह काम कर जाएगी आपकी, कभी कभार जरूरी नहीं है कि वो वर्क करे, ठीक है। सो जैसे मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1, सबसे पहले तो मैंने क्लोज इंटरवल 0, 1 पर लिया, एंड देन मैंने इसी फंक्शन को आर के ऊपर लिया, तो पूछा जा रहा है कि इसके किसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, इसके ऊपर है या नहीं है, इसके ऊपर है या नहीं है। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, सो देखोगे आप ग्राफ, तो 0 से 1 के बीच में तो बिल्कुल स्मूथली ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सो 0 से 1 के बीच में क्या है, इसका जो ग्राफ है यहां से मान लो ये स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, यहां कहीं से, तो 0 से 1 के बीच में यहां से स्टार्ट हो रहा था,
मान लो यहाँ तक जा रहा है, तो बिल्कुल स्मूथ बिहेवियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो है, इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अब लेकिन जब मैं आर के ऊपर देखूंगा, सो आर के ऊपर ऐसे दिखाई तो नहीं देगा आपको आसानी से, बट जब आप इसको जूम आउट करोगे, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक्स एक्सिस को ले लिया -200 से 200 तक, तो देखो अब आपको दिखाई देगा कि बहुत ही ज्यादा शार्पली ये इंक्रीज कर रहा है ना, बहुत ज्यादा शार्पली इंक्रीज कर रहा है, ये एक्सपेंड तो हो ही नहीं रहा है, ये सीधे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब जैसे कि एक्स, जैसे मैंने एक और फंक्शन आपके सामने लिखना है एक्स, ठीक है, दो फंक्शंस है हमारे पास, तो फिलहाल के लिए इसको रहने दो, नहीं फिलहाल के लिए इसको रहने दो, इसको देखो, तो जैसे मैंने एक्स लिया, तो कितना भी मैं जूम आउट इसको कर लूं, बट ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना। देखो अब यहां पर 5 × 10^11 आ चुका है, मतलब 5 के पीछे कितने जीरोस, 11 जीरोस, तो बहुत बड़ा नंबर ये है, बट स्टिल ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन जब मैं यही काम इसके लिए करूंगा तो दिखाई नहीं देगा कि ग्राफ कहाँ है, क्योंकि देखो बिल्कुल वाई एक्सिस से ग्राफ क्या हो चुका है, चिपक चुका है। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये बहुत ज्यादा रैपिडली इंफिनिटी पर जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूं, बट इस डोमेन के ऊपर जब आपने रियल नंबर डोमेन ली है, जब आपने बाउंडेड डोमेन ली है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आपने रियल नंबर डोमेन ली उस टाइम पर साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि ये रेड कलर की सिंगल लाइन बन गई है जो डायरेक्टली इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है ना। तो इसलिए आप इसे कहोगे कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। नाउ अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इसके ऊपर क्यों है, एक बार डेफिनेशन लगा के देखते हैं, वो भी बड़ा आसान है, डेफिनेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले केस में। सो जैसे मैंने ये यहां पर क्या किया, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पिक किया, देन मुझे अपने लिए एक ऐसा डेल्टा ढूंढना है जिसकी डिस्टेंस आपकी एप्सिलॉन से कम आए, ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी एप्सिलॉन से कम आ रही है, तो मुझे मैंने यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर आपने देखा कि ये आ रहा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर आपकी डोमेन बाउंडेड है, तो जैसे 0 से 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ, टू लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये हमें पता चला ये से छोटा आया, सो टेक क्या लेना चाहिए डेल्टा, साइलेंट बाय टू। एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है, तो हम डेल्टा को एप्सिलॉन बाय टू ले लेते हैं। सो व्हेन आपने अपना एक्स और वाई के बीच का जो गैप है वो क्या किया, आपने एक्स और वाई के बीच का जो गैप है वो आपने लेस देन डेल्टा लिया, दिस इंप्लाई एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया, है ना। यहाँ पर आपने डेल्टा रखा और डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू थी, तो एप्सिलॉन से छोटा आ गया। सो दैट मीन्स कि ये जो डेल्टा है ये सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट है, एक्स और वाई पर ये डिपेंडेंट है ही नहीं। सो दैट प्रूव्स कि ये इस डोमेन के ऊपर तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों नहीं है, तो इस केस में भी आप यही लिखोगे। अब आपके लिए दिक्कत ये आएगी कि इस केस में अनलेस आप अपना डेल्टा एप्सिलॉन बाय मॉड एक्स प्लस वाई ना रख दो, तब तक ये जो है ये वाला पोर्शन यहां से कैंसिल ही नहीं होगा, है ना। तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप अपने एक्स और वाई की वैल्यू इसको बड़ा बड़ा रखते जाओगे उस टाइम पर ये नंबर जो है बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर आपने जब तक एक्स और वाई पर डिपेंडेंट नहीं रखा तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। तो हालांकि अभी हमने प्रूफ नहीं दिया है कि ये वाई इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, प्रूफ नहीं है इसका ये, बट हमने एक आइडिया लिया है ताकि जब हम एग्जाम में बैठे हों वहां पर हम हर क्वेश्चन का प्रूफ तो कर नहीं सकते हैं, बट हम ग्राफिकल उसका जो बिहेवियर है उसी के बेसिस पर हम कह पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस डेफिनेशन का आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज करना है। नाउ डेफिनेशन क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं, सर हाँ
to show a function it is continuous or not, it is enough to show that the function is uniform continuous. रिपीट करो, मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या बोल रहे हो? To show a function is continuous or not, it is enough to show that the function is uniformly continuous. हाँ वो तो इनफ है, अभी मैं बता दूंगा उसको, मैं लिखूंगा, ठीक है। सो हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है? ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। लेट एफ सच दैट, हमने पिक किया डी टू आर फंक्शन अपना, ठीक है, बी अ फंक्शन। ना हम कहेंगे एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन डी इफ एंड ओनली इफ, क्या हो? ठीक है, इफ एंड ओनली इफ हम लिखेंगे यहां पर कि फॉर एवरी पेयर ऑफ सीक्वेंस, फॉर एवरी पेयर ऑफ सीक्वेंस यू एन एंड वी एन, ठीक है, बिलोंगिंग टू डी सेटिस्फाइंग यू एन माइनस वी एन कन्वर्जन टू जीरो। देन वी हैव ठीक है, इज इक्वल टू लिख देते हैं इस केस में यहां पर। तो बोला जा रहा है कि जब भी आपके पास हर दो सीक्वेंस के लिए, कोई सी भी दो सीक्वेंस हो जिनके बीच का जो गैप है, अगर वो गैप जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और उन दो सीक्वेंस के लिए आप ये प्रूफ कर पाते हो कि उनकी इमेज जो सीक्वेंसेस हैं, इमेज सीक्वेंस का जो गैप है वो गैप भी जीरो हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। और अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो फिर ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इस क्वेश्चन में, तो वापस आएंगे इस क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने एक सीक्वेंस पिक की रूट एन और दूसरी सीक्वेंस पिक की रूट एन प्लस वन, क्या ये दोनों सीक्वेंसेस जीरो की तरफ जा रही हैं? बोलो। यस कैसे जा रही है, क्या करना पड़ेगा? तो सर, रैशनलाइज करके ये जीरो की तरफ जा रही है, ये पता चल रहा है, मैं नहीं शो कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर देना पता चल जाएगा। अब आप इनकी इमेज सीक्वेंसेस को देखो, तो आपने इनकी इमेज सीक्वेंस देखी, इमेज सीक्वेंस में आएगा एन माइनस एन प्लस वन, तो दैट मीन्स ये वन आ जाएगा। क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, किसके ऊपर? आर के ऊपर। सो ये फंक्शन जो है जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है। अब वापस आएंगे एक और क्वेश्चन में, जैसे ये था, कहाँ गया वो, ये रहा 10x वाली चीज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस यहां पर पिक की। अब साफ देखो, मैंने ये सीक्वेंस किस हिसाब से पिक की थी, ये आपको पता है। इस केस में मैंने आपको क्या शो करके दिखाया कि जब आप इतने बड़े बड़े नंबर्स इनपुट में रखोगे उस टाइम पर जो बिहेवियर है फंक्शन का वो बहुत रैपिड है इंफिनिटी की तरफ। अब इस केस में क्या है, इस केस में आपको पता है कि पाई बाई टू की तरफ जाते समय दिक्कत आ रही है काफी ज्यादा, तो मैंने एक ये सीक्वेंस ली, एक दूसरी सीक्वेंस ये ले ली,
ठीक है। अच्छा अब, अच्छा लेकिन दिक्कत आएगी ना। रुक जाओ, टेन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टेन एक्स पे मैं हूँ। और इसको ऐसा करो, जरा दिमाग लगाओ कौन सी दो सीक्वेंसेस वर्क करेंगी। जैसे मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए यू एन माइनस वी एन भी जीरो, जीरो की तरफ जाने वाला, और एफ ऑफ यू एन माइनस एफ ऑफ वी एन जीरो की तरफ ना जाने वाला। तो जरा सोचो जल्दी जल्दी से, इस केस में ऐसा हो रहा है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो या तो कुछ चेंजेस करो तब इनडिटर्मिनेट ना आए, क्योंकि इनडिटर्मिनेट आ रही है। इन सीक्वेंसेस के लिए जब आप 10x माइनस 10y लिखोगे वो इनडिटर्मिनेंट आएगा। होना तो इन्हीं दो से है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एक मिनट, और लिमिट को निकालने के तरीके ढूंढते हैं। सो हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x ऑन माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। आपको इसे बताना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो जैसे मैंने यू एन लिया पाई बाई टू माइनस वन बाई एन, वी एन लिया पाई बाई टू माइनस वन बाई एन प्लस वन, यू एन माइनस वी एन मैंने करके देखा तो मुझे वन बाई एन इंटू एन प्लस वन मिला, ठीक है, यही मिलेगा। आप करके देखो तो यही मिलेगा। देन जब आप इसे देखोगे तो ये तो जीरो की तरफ जा रहा है। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस को जरा प्रूफ करो कि ये जीरो की तरफ नहीं जा रहा है। इसकी लिमिट निकालनी है बेसिकली हमें। कौन निकालेगा इसकी लिमिट? टेन एक्स माइनस टेन वाई का शायद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताओ जरा किसको याद है टेन एक्स माइनस, इसका तो कोई फॉर्मूला वैसे साइन एक्स की। टेन एक्स माइनस टेन वन माइ वन प्लस टेन एक्स इनटू टेन वाई बाई। मतलब कैसे कह रहे हो, कैसे डिलीट कर रहे हो, क्या निकाला आपने फॉर्मूला? सर वो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई। मतलब इस तरफ से नीचे से उस तरफ ले गए ना आप उसको। यस सर वन इसी से, प्लस टेन। इसी से शायद ये काम बनेगा, ठीक है। हाँ ठीक लिखा है मैंने। तो यहाँ से आपको टेन एक्स माइनस टेन वाई की वैल्यू मिलेगी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस वन बाई एन माइनस पाई बाई टू प्लस वन बाई एन प्लस वन डिवाइडेड विद, नहीं मल्टीप्लाइड विद, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइड विद टेन ऑफ
क्या नाम है, 10x 10y+1 है ना, तो 10 पाई बाई 2 माइनस 1 बाई एन, 10 पाई बाई 2 प्लस 1 बाई एन, जो भी है माइनस है यहाँ पर, ठीक है माइनस। तो अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है क्या, बताओ क्या लग रहा है, इंडिटरमिनेट आ रही है? बोलो यस और नो। ऐसा हो रहा है, तो 10 0 हम जानते हैं कि 0 है, स्टिल इट इज इनडिटरमिनेट क्योंकि इन्फिनिटी इंटू 0 आ रहा है। तो सोच के लाना फिर कल, ठीक है अभी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते इसको इससे ज्यादा, तो कल आप सोच के लाओगे कि इसकी लिमिट आएगी कैसे, क्या और तरीके यूज करने पड़ेंगे सच दैट आप इसकी लिमिट कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है? तो कल सोच के आना, मेरे हिसाब से इसी सीक्वेंस से बन जाएगा काम, बट आपको आंसर बताना है बिना इंटरनेट के, है ना? सो इसलिए सोच के आना इसके बाद आगे कैसे प्रोसीड होगा, क्योंकि ये तो 10 0 बन गया है तो 0 होता है, और ये इन्फिनिटी बन गया तो 0 × ∞ की फॉर्म आई, देन हो सकता है कि आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ या इसको इधर लेके आओ, कुछ भी आप करो बट आपको इसका आंसर लेके आना है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? तो ये आगे का जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, कल आप करके लाओगे, अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सो आपने देखा कि इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का टू चेक वेदर अ सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस और नॉट। हालांकि हमने ये वहीं पर यूज किया मेनली जहां पर हमें नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस शो करना है, तो जहां पर आप नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस शो करना चाहते हो वहीं पर मेनली इसका यूज करोगे, ठीक है? अब कुछ नोट लिखने हैं हमें, ऑब्जर्वेशंस। सो नोट नंबर 1 है कि अगर D1 D2 का सबसेट है एंड F इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन D2, देन हम क्या ये बोल सकते हैं कि इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन D1 ऑल्सो, ठीक है? तो ऐसा बोल सकते हैं। तो सुपर सेट पर अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो सबसेट पर तो होगा ही होगा, ठीक है? अगर सबसेट पर है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अभी अभी ऐसे एग्जांपल देखे थे जहां पर सबसेट पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थी बट सुपर सेट पर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं आया। थर्ड वाली चीज कि अगर आपने ये कह दिया कि D1 पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तब तो ये गारंटेड है कि D2 पर भी नहीं होगा, है ना? तो मतलब छोटे पर अगर नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आया तो बड़े पर तो आप कह ही सकते हो कि नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आएगा, ठीक है? चौथा ये होगा कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, हर एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है? अब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हम रिजल्ट लिखने वाले हैं और इस रिजल्ट के बेसिस पर आप बहुत बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? सो इसे हम एज अ थ्योरम यहाँ पर प्रस्तुत रख रहे हैं। सो थ्योरम ये है, आपने अभी अभी कहा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है, यहाँ पर आपने कहा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेशल केस हो
जहां पर कंटिन्यूटी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन को भी इंप्लाई कर दे। तो ऐसा हो सकता है अगर आपकी डोमेन क्या हो, कॉम्पैक्ट हो, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि इफ आपके पास, नहीं ऐसा लिखते हैं, इफ नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली वर्ड यूज करते हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि कॉम्पैक्ट सेट पर अगर आपके पास कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी ऑन कॉम्पैक्ट सेट, ये जो चीज है ये इंप्लाई करेगी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को, ठीक है। सो कंटिन्यूटी ऑन कॉम्पैक्ट सेट इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं प्रूफ तो फिलहाल नहीं करा रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ करके ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट शीट में आएगा जो इससे रिलेट करेगा, और तब आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि कॉम्पैक्टनेस होने से ऐसा क्या चेंज हो रहा है कि सीधे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आ रही है। तो फिलहाल तो हम डायरेक्टली रिजल्ट को ही याद रखेंगे, ठीक है। अगला रिजल्ट ये है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन मैप्स, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन मैप्स, चलो ऐसे नहीं, तो हमने पहले यहां पर यह लिखा है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है बाउंडेड सेट को बाउंडेड पर ही मैप करता है। कंटिन्यूटी के लिए कहां पर काउंटर एग्जांपल आपको मिलेगा बता सकते हो? जीरो कॉमा वन 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 बाय एक्स फंक्शन, हाँ बोलो, एफ ऑफ एक्स इज वन बाय एक्स, हाँ जीरो कॉमा वन, जीरो वन पर डिफाइन करो वन बाय एक्स फंक्शन को, तो यहां पर अगर आप देखोगे अपनी इमेज को, सो एफ ऑफ जीरो वन जो है वो क्या है, वो आपका आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये है विच इज अनबाउंडेड। तो कंटिन्यूस फंक्शन बाउंडेड सेट को बाउंडेड पर नहीं मैप करते हैं, जबकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन करते हैं। अब एक और रिजल्ट, नाउ रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास 1 टू इंफिनिटी आ जाएगा, क्या जाएगा 1 टू इंफिनिटी 1 आएगा यहाँ, क्यों? अच्छा हाँ 1 ही आएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है 1 टू इंफिनिटी आएगा क्योंकि 0 टू 1 लिया हुआ है ना, ठीक है 0 टू इंफिनिटी थोड़ी है, ठीक है सही है। सो अब रिजल्ट में बस ये चेंज है कि अगर आपके पास कॉशी सीक्वेंस एक है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन क्या करते हैं, कॉशी सीक्वेंस को कॉशी पर ही मैप करते हैं। अब इसके लिए काउंटर एग्जांपल दोगे कंटिन्यूस फंक्शन के केस में, कंटिन्यूस में तो ऐसा होता ही नहीं है, दो एग्जांपल दो। सो जैसे मैंने लिया ये और मैंने सीक्वेंस कंसीडर की 1 बाय एन, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है बट ये डोमेन में ही आपके प्रेजेंट नहीं है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है बट ये डोमेन में ही नहीं है। सो हम कन्वर्जेंट तो इसको नहीं बोलेंगे कि डोमेन के अंदर ही ये कन्वर्जेंट है, बट एटलीस्ट कॉशी तो हम बोल ही सकते हैं। कॉशी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट है भले ही डोमेन में ना हो, बट इसकी जो टर्म्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम आ रही होगी, एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि किसी भी दो टर्म के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम आएगी, तो कॉशी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस कॉशी है भले वो डोमेन में कन्वर्जेंट ना हो, बट डोमेन में वो कॉशी जरूर होगी। सो आपने इसके अंदर से एक सीक्वेंस उठाई, जो कि कॉशी है, विच इज कॉशी इन 01। अब आपने इसकी इमेज देखी और फंक्शन वही है 1 बाई एक्स वाला ही,
आपने इसकी इमेज देखी, तो इमेज इसकी बनेगी एन, विच इज डाइवर्जेंट, जो कि कॉशी नहीं आई। तो कॉशी को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन कॉशी पर मैप करते हैं बट कंटिन्यूस फंक्शन नहीं करते हैं, तो ये इसके अंदर क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑलराइट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं रिजल्ट यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो रिजल्ट ये है कि हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल। तो जब भी ओपन और ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल आएगा तो आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? सो हम कहेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि लेट एफ सच दैट ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाउंडेड वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट होने का क्या मतलब है कि बाउंडेड होना चाहिए डोमेन, तभी जाकर आप इसके बारे में बात कर रहे हो। फिर हम कहेंगे कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो आपका जो एफ है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इसके ऊपर, कब, जब आपके पास ए पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे सिर्फ और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप ये बातें कह सकते हो, ठीक है, कि फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा इस पर। बट गिवन होना चाहिए कि कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तब आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हो। तो जैसे इससे क्या मैं इस 10x वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? इससे 10x वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, यस और नो? यस, है ना, क्योंकि माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, बाउंडेड इंटरवल है, फंक्शन भी कंटिन्यूस है, हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पाई बाई टू पर राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स, सॉरी उल्टा कुछ गलत गलत हो गया, मतलब पाई बाई माइनस पाई बाई टू पर तो इन्फिनिटी आएगी, माइनस पाई बाई टू पर उतनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी, बट एग्जिस्ट नहीं करी ना। तो जैसे ही आपने देखा कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, वैसे ही आप बोल सकते हो कि 10x फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है यूजिंग दिस लॉजिक। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को भी देखो, उसके बेसिस पर भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कि क्यों ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। सो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन को समझा, अब आपका काम क्या है, इस डेफिनेशन को फील करना कि क्यों ये डिफरेंट है कंटिन्यूटी से, क्यों ये मोर स्ट्रॉन्गर है, क्यों ये डिफिकल्ट है, कोई भी नॉर्मल फंक्शन जो कंटिन्यूस हो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप इसको फील कर पाओगे तो आपके पास जब क्वेश्चन दिया जाएगा, भले ही आप उसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, बट आपको फील जरूर हो जाएगा कि हाँ ये फंक्शन तो साफ साफ दिख रहा है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। देन उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट्स यूज किए, रिजल्ट्स के बेसिस पर हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करी, ठीक है। अब एक रिजल्ट जो है, क्योंकि हमने अभी तक डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा है, बट एक रिजल्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि जो आपको असाइनमेंट शीट दी जाएगी उसमें वो रिजल्ट यूज होने वाला है, ठीक है। सो वो रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट ये है, मतलब क्योंकि हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो उसको तो हम प्रूफ कर भी नहीं सकते हैं, वैसे भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, बट रिजल्ट फिलहाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और मान लो कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर कि एफ सच दैट डी टू आर बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन डी। तो हम कहेंगे कि अगर आपके पास जो आपका डेरिवेटिव है, अगर आपके पास आपका जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड है, अगर आपका डेरिवेटिव बाउंडेड है
तो आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन क्या है फिर, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। इट मीन्स बाउंडेड डेरिवेटिव इंप्लाइज कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये सारे रिजल्ट लिख दिए आज की क्लास में। थोड़ा सा रैपिड करने की कोशिश की क्योंकि मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इसी लेक्चर में रैप करना चाह रहा था कम्प्लीटली। सो इतनी ही थ्योरी रिक्वायर्ड है अगर आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्रूफ्स हमने काफ़ी कुछ स्किप किए हैं, बट स्किप करने का इसलिए भी रिक्वायरमेंट है कि इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, बट जिन क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे वहाँ पर मैं करवा दूंगा वो चीज़ें, ठीक है। सो बस अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट शीट आपको दी जाएगी, आपको असाइनमेंट शीट में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, बाकी फिर हम क्या करेंगे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे इसके, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा देर में पढ़ाई जाएगी, अभी नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो सर, वो टेन एक्स का वो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करके एक्स एन इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन बाई एन एंड वाई एन इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन बाई टू टू एन लेने से हो जाता है। टू एन लेने से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताओ सर? बिकॉज जब एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन करेंगे तो टेन टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस वन बाई एन माइनस टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस वन बाई टू एन आएगा। उसके बाद मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगी टेन को, देन ऊपर में आएगा कि साइन पाई बाई टू माइनस वन बाई एन मतलब कॉस वन बाई एन एंड नीचे आएगा साइन वन बाई एन, देन उसके बाद नीचे साइन वन बाई एन साइन टू वन बाई टू एन आएगा, ऊपर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद वन बाई साइन वन वन बाई एन आता है, देन वो हाँ उससे भी हो रहा होगा बट इससे भी हो जाएगा शायद। एक बार वो वाला ट्राई करके देख लेना जो ये कह रही है स्वप्ना कि हम क्या करेंगे ये आइडेंटिटी ना लगा के, क्योंकि इससे इस आइडेंटिटी को लगाने से कोई फायदा तो हुआ नहीं अपने को, फिर से डिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। सो हम एक बार इसमें क्या करते हैं ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन वाई कॉस वाई। तो वो ये कहना चाह रही है कि जब हम इसको लिखेंगे एलसीएम लेके कॉस वाई तो आपके पास न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि आएगा साइन इतना, देन डिनोमिनेटर में जो है डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो देन शायद कुछ अप्रोच लगा के फिर वो सॉल्व हो जा रहा है। तो ये आप ट्राई करके लाना इस मेथड से भी, सिक्वेंशियल डेफिनेशन इस तरीके से इसमें लगेगी, ठीक है। ऑलराइट सर। हाँ स्वप्ना आप क्या कर देना, अगर आप सॉल्यूशन लिख लिया आपने तो ग्रुप में भी सेंड कर देना। हाँ बोलो, जो ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल वाला जो रिजल्ट है उसमें रिवर्स इंप्लीकेशन आएगी ना सर? मैंने नहीं लिखा, मैंने रिवर्स, हाँ ये इफ एंड ओनली इफ है, मैंने गलती से बोल दिया। ओके सर, ओके सर, मैंने शायद बोलना भूल गया मैं। तो ये इफ एंड ओनली इफ है कि अगर ऐसा है तब ऐसा होगा, क्योंकि मैं इसी से कंक्लूड कर रहा था 10x के बारे में, तो मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जा रहा था, ठीक है। डबल इंप्लीकेशन आएगा। ऑलराइट सो बाय।